गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, डॉक्टर माया अग्रवाल, असिस्टेंट प्रोफेसर व्यावसायिक प्रशासन विभाग SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज हम एजेंसी के निर्माण के बारे में पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने एजेंसी के बारे में पढ़ा कि एजेंट के किस प्रकार क्या अधिकार होते हैं और एजेंट किस प्रकार अपने नियोक्ता के लिए कार्य करता है और नियोक्ता किस प्रकार से अपने एजेंट के लिए द्वारा किए गए कार्यों से बाध्य होता है। तो आज इस लेक्चर में हम ये जानने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से एजेंसी की स्थापना की जाती है। तो इसके लिए हम कुछ विधियाँ हैं जो पांच प्रकार हमने देखे हैं यहाँ पर बोर्ड पर देखे। तो इस पर पहला पॉइंट है हमारा स्पष्ट ठहराव द्वारा, दूसरा है गर्भित ठहराव द्वारा, थर्ड है हमारा प्रदर्शन द्वारा, फोर्थ आवश्यकता द्वारा और नंबर फाइव है पुष्टिकरण द्वारा। तो ये पांच तरीके हैं जिनके द्वारा कोई भी व्यक्ति एजेंट बन सकता है या नियोक्ता प्रधान के बीच संबंध एजेंसी का निर्माण हो सकता है। तो हम चलिए चर्चा करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा स्पष्ट ठहराव द्वारा। जब लिखित अथवा मौखिक रूप से शब्दों का उच्चारण करके एजेंट की नियुक्ति की जाती है तो उसे हम स्पष्ट ठहराव द्वारा स्थापित एजेंसी कहते हैं। कहने का आशय है कि कोई भी व्यक्ति जो एजेंट बनना चाहता है वो स्पष्ट रूप से लिखकर या बोलकर एजेंसी का निर्माण कर सकता है। लेकिन यदि हम देखें तो एजेंसी लिखित में अगर ठहराव द्वारा की जाती है तो ज़्यादा उचित रहती है, क्योंकि भविष्य में किसी प्रकार के कानूनी या वैधानिक दायित्व उत्पन्न होने पर स्पष्ट द्वारा ठहराव द्वारा स्थापित एजेंसी हमारे प्रमाण के रूप में हमारे पास रहती है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी लिखित मौखिक की बजाय स्पष्ट ठहराव द्वारा एजेंसी का निर्माण किया जाना चाहिए। एग्जाम्पल हम देखते हैं, जैसे ए ने बी से एक लिखित अनुबंध किया कि वह उसके लिए गेहूँ खरीदने और बेचने का कार्य करेगा। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में जो नियुक्ता है उसको अपने लिए एजेंट के रूप में कार्य करने को रखा है तो उन दोनों के बीच में एजेंसी का निर्माण माना जाएगा, क्योंकि दोनों ने स्पष्ट ठहराव द्वारा लिख के किया है तो स्पष्ट ठहराव द्वारा एजेंसी इनके बीच में उत्पन्न हुई मानी जाएगी। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं तो हमारा सेकंड पॉइंट आता है गर्भित ठहराव द्वारा। गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी वह एजेंसी मानी जाएगी जिसकी स्थापना पक्षकारों के आपसी व्यवहार के द्वारा होती है। ऐसी एजेंसी की स्थापना शब्दों के उच्चारण या लिखित प्रलेख द्वारा नहीं होती है बल्कि उनके आपसी व्यवहार द्वारा स्वतः ही उत्पन्न हो जाती है। तो इस तरह से स्थापित एजेंसी को हम गर्भित ठहराव द्वारा एजेंसी मानेंगे। ऐसी एजेंसी में व्यक्ति न तो कुछ बोलता है न कुछ कहता है बल्कि उनके व्यवहार से ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों के बीच में प्रधान तथा एजेंट का संपर्क उपस्थित है। तो इस प्रकार की एजेंसी को हम गर्भित ठहराव द्वारा स्थापित एजेंसी मानेंगे। तीसरा है हमारा जो पॉइंट है हमारा प्रदर्शन द्वारा एजेंसी। प्रदर्शन द्वारा एजेंसी के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति जब एजेंट बनना चाहता है तो ऐसी स्थिति में वह व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को जानबूझकर इस बात का विश्वास दिलाता है कि वह व्यक्ति अन्य मतलब या कहें प्रधान का एजेंट है और वो तृतीय पक्ष और व्यक्ति इसके प्रदर्शन को देखते हुए प्रभावित होकर उससे को व्यवहार कर लेता है। तो ऐसे एजेंट व्यक्ति द्वारा किया गया व्यवहार प्रदर्शन द्वारा एजेंसी का निर्माण माना जाएगा। यानी जहाँ एक व्यक्ति प्रदर्शन द्वारा ये जानबूझकर विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहा है कि वो व्यक्ति प्रधान का एजेंट है, ऐसी स्थिति में कोई व्यक्ति उससे व्यवहार कर लेता है तो वो एजेंट के द्वारा किया हुआ कार्य माना जाएगा और उनके बीच में प्रदर्शन द्वारा एजेंसी मानी जाएगी। इसी क्रम में हम देखते हैं आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण। आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण वह स्थिति होती है जबकि कोई संकटकालीन परिस्थिति या इमरजेंसी हमारे सामने उत्पन्न हो जाती है। इस कारण किसी व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के लिए कुछ इस प्रकार कार्य करना होता है जैसे कि वो उसका एजेंट हो, तो परिणाम स्वरूप इस स्थिति में अगर वह उस व्यक्ति के लिए कार्य करता है तो उसे हम आवश्यकता द्वारा एजेंसी का नाम देते हैं या आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण माना जाता है। क्योंकि वहाँ परिस्थितियाँ इस तरह की उत्पन्न हो गई है कि उस व्यक्ति को उस व्यक्ति के लिए कार्य करना पड़ गया और वह कहलाएगा आवश्यकता द्वारा एजेंसी का निर्माण। तो इस प्रकार भी हम एजेंसी बना सकते हैं। और लास्ट और अंतिम बिंदु है हमारा पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी का निर्माण। पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी का निर्माण ऐसी एजेंसी मानी जाएगी जिसके अंतर्गत ये एजेंसी तब उत्पन्न होती है जबकि एक व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कार्य करता है और जो व्यक्ति जिसके लिए एजेंट कार्य कर रहा है यदि वह व्यक्ति उस कार्य की पुष्टि कर लेता है या उसे प्रमाणित कर लेता है कि वह कार्य उसने किया है, वह उसको स्वीकार कर लेता है तो वह उसे एजेंट के रूप में स्वीकार कर सकता है। तो कहने का आशय ये है कि पुष्टिकरण द्वारा एजेंसी उस समय स्थापित हुई मानी जाती है जबकि कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति की ओर से उसी के नाम से स्वेच्छा से कोई कार्य कर लेता है
और अगर दूसरा व्यक्ति उसके कार्य की अगर पुष्टि कर देता है या प्रमाणित कर देता है तो वो एजेंसी पुष्टिकरण वाली एजेंसी मानी जाएगी। और इसी प्रकार से ये कुछ विधि हैं जिसके द्वारा एजेंट की एजेंसी का निर्माण होता है। एजेंसी बन जाने के बाद एजेंट और प्रधान के बीच जो संबंध पाया जाएगा उसे हम एजेंसी कहेंगे। और एजेंट द्वारा किए गए सभी कार्यों के लिए उसका प्रधान उत्तरदायी माना जाता है। तो एजेंट के रूप में कार्य करते हुए एजेंट का दायित्व बनता है कि वे सभी कार्य बहुत सोच समझ कर विचार कर पूर्ण सतर्कता से सावधानी से करें ताकि उसके एजेंट को का दायित्व किसी भी प्रकार से उसके एजेंट के दायित्व क्षति ना पहुँचे या हम कहें कि एजेंट को अपने कार्य को बहुत सावधानी से करना है, अधिकारों का दुरुपयोग नहीं करना है, अधिकारों में सीमा में रहकर कार्य करना है, तभी एजेंसी अनुबंध को अच्छे से पूरा कर पाए। थैंक यू।